नमस्कार, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। तनुश्री दत्ता के बाद अब लेखक और निर्माता निर्देशक विंता नंदा यौन शोषण के मुद्दे पर सामने आई हैं। हैशटैग मीटू की कड़ी में सामने आ रही तमाम घटनाओं में उनके साथ हुई घटना शायद सबसे डरावनी है। विंता नंदा ने अपने फेसबुक पेज पर घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में 90 के दशक के मशहूर टीवी सीरियल तारा में मुख्य भूमिका निभाने वाले और इंडस्ट्री में संस्कारी के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता का जिक्र किया है और इस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। विंता नंदा के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग आलोकनाथ का नाम ले रहे हैं, जिन्हें अक्सर संस्कारी अभिनेता भी कहा जाता है, और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विंता नंदा ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि अभिनेता ने कथित तौर पर उनके साथ रेप किया और इससे पहले उसने धारावाहिक तारा की लीड एक्ट्रेस नवनीत निशान के साथ भी बदतमीजी की थी। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में नवनीत निशान का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आगे लिखा है, अभिनेता का व्यवहार इसके बाद और खराब होता चला गया और नंदा और प्रोडक्शन के अन्य सहयोगियों ने अभिनेता को हटाने का मन बना लिया। बाद में चैनल के दबाव की वजह से तारा को बीच में ही बंद करना पड़ गया और नंदा के दूसरे शो भी कैंसिल कर दिए गए। विंता नंदा की आगे की कहानी और भी डरावनी है। उनके मुताबिक अभिनेता ने उन्हीं के घर में रेप किया और मारपीट भी की। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसने दूसरी बार भी ऐसा ही किया। उन्होंने आगे लिखा कि विडंबना यह है कि जो शख्स वास्तव में जानवर है उसे लोग इंडस्ट्री में संस्कारी के नाम से जानते हैं। विंता नंदा की यह पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भले ही विंता नंदा ने सीधे तौर पर आलोकनाथ का नाम ना लिया हो, लेकिन लोग आलोकनाथ का नाम लेते हुए उनके दोहरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ घटना सामने आने के बाद सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा ने कहा है कि वो आलोकनाथ को शो कॉज यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी करने जा रही है। सिंटा की तरफ से अभिनेता सुशांत सिंह विंता नंदा से माफी मांगते हुए उन्हें मामले में शिकायत करने को कहा है और सहयोग का भरोसा दिया है। खबर स्टेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।